तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8.1, ये टॉपिक हमारा डिलीट हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट 8.2 भी हो गया। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8.3। यू विल टेल मी व्हाट फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10^-10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी? फॉर दैट मींस वी मीन टू से कि फॉर ऑल द ईएम वेव्स कौन सी क्वांटिटी सेम होती है? चलो बताओ, जस्ट बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज दैट वी डिड यस्टरडे। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव हमने की थी ना कल, उसके बेसिस पे ये बताइए। यस, हु विल टेल व्हाट फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर एक्स रेज, रेड लाइट मतलब की विजिबल एंड रेडियो वेव? यस स्टूडेंट्स, हरी अब जल्दी कम ऑन। वेरी सिंपल आंसर, विच क्वांटिटी विल रिमेन सेम फॉर एक्स रेज, विजिबल कॉम्पोनेंट ऑफ सनलाइट एंड द रेडियो वेव्स? यस जल्दी बोलो। स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ऑल द ईएम वेव्स इज सी इक्वल टू 3 × 10^8 m/s ना, तो स्पीड सेम है सभी की। स्पीड ऑफ ऑल द ईएम वेव्स इज 3 × 10^8 m/s, ये लिखिए ठीक है। एट पॉइंट फोर, अ प्लेन ईएम वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 30 MHz, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ? चलो कौन बताएगा मुझे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स? फ्रीक्वेंसी इज 30 MHz। हाँ जी बताइए, इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग जेड डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन अलोंग विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एक्टिंग? जल्दी कम ऑन। अरे बच्चे, ईएम वेव स्मॉलेस्ट यूनिट। शिवम? यस मैम, बताओ। इफ मैम मैंने कल का लेक्चर नहीं लगाया था। बच्चे वीडियो देख लिया करो। मानसी आप बताओ। मानसी बोलो। देखो आपको ये पता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट राइट एंगल्स टू बोथ द फील्ड्स। तो इसका मतलब इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग जेड डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो आपका आंसर ये होगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, मतलब आई एंड जे कॉम्पोनेंट के अलोंग होंगे वो, ठीक है। अगर आपकी ईएम वेव जेड डायरेक्शन के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू जेड, ठीक है। एंड देन दे आर सेइंग कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इतनी है, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यस, वी आर टू फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इज गिवन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ? वेरी सिंपल, नाइन्थ से कर रहे हो आप, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। हर सिमर, विच फॉर्मूला विल बी यूजिंग योर? फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इज गिवेन, वी आर टू फाइंड द वेवलेंथ। हर सिमर, तुषार, यू टेल। तुषार बोलो। वेव फॉर्मूला, सिंपली वेव फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, so lambda is equal to c by nu, c is 3 × 10^8 and nu is 30 mega, mega means 10^6, ठीक है। तो ये 3 × 10^7 हो गया, ये 7 zeros कट गई आपकी, तो आंसर आ गया आपका 10 meter। so wavelength of such EM waves, highly energetic waves है ना, 30 MHz है, काफी ज्यादा frequency है, so that means the wavelength is 10 meter। Is that clear? So doubt is mein? C is equal to lambda nu. Let us see next question. Question number 8.5. A radio can tune
into any station in 7.5 megahertz to 12 megahertz band. 7.5 megahertz to 12 megahertz band. ये गिवन है आपको. What is the corresponding wavelength band? What is the corresponding wavelength band? So very simple, two frequencies are given to you. Corresponding to that, you have to find two wavelengths. Range of wavelengths निकालनी है, range of frequencies given है आपको. So again, we will be using this formula C is equal to lambda nu and find two corresponding wavelengths lambda 1 and lambda 2. चलिए solve करिए और मुझे बताइए क्या answer आ रहा है. Find lambda 1 and lambda 2. Yes, hurry up. Yes, students. C is equal to lambda nu ही use होगा. दो frequencies given है, but convert into proper unit. Mega में, mega को hertz में convert करना है. ठीक है, so let us find lambda 1. Lambda 1 will be C by nu 1 and lambda 2 will be C by nu 2. So C is 3 into 10 raised to power 8 and nu 1 is 7.5 mega. And this side 3 into 10 raised to power 8 and 12 mega. बस इसी को solve कर लेना. ठीक है, solve this and you will get your two wavelengths in meter. तो वो range of wavelengths हो जाएगी. बच्चे से yes or no, say something so that I get to know that you are doing science. Yes, ma'am. Okay. तो simple, अभी तक तो हमने C is equal to lambda nu formula ही use किया, nothing else. ठीक है, so see that and calculate, tell me the answer. Yes, waiting for your answer, hurry up. कोई आंसर? मैं 40 और 25. कितना? 240. मैं सेकंड वाले के 25 आई. ओके, चलो ठीक है, हो जाएगा ना मीटर. Now see question number 6, 8.6. A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 raised to power 9 hertz. What is the frequency of EM waves produced by the oscillator? ये एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लो आप. कल हमने प्रॉपर्टीज की थी ना EM waves की. एक और ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर दो कि an accelerated charge is the source of production of EM waves. EM waves का production का source एक ये भी है कि एक चार्ज जब एक्सेलरेट करता है, देन ठीक है, व्हेन अ चार्ज गेट्स एक्सेलरेटेड देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो प्लीज ऐड दिस प्रॉपर्टी आल्सो, रादर ये नंबर वन प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं, दैट एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव्स. ठीक है, वो प्रोड्यूस कर सकती है ईएम वेव्स. तो अगर हमारी चार्ज पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है तो दैट मीन्स frequency of EM waves is also 10 raised to power 9 hertz. तो इसका आंसर है सेम, 10 raised to power 9 hertz. जितनी frequency पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, सेम frequency की EM waves produce होंगी. ठीक है, सर हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज, he was the first person to produce and analyze and detect EM waves. तो हमारे सिलेबस में पहले हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट होता था, अब वो नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का, देख लो थोड़ा सा, इट इज गुड फॉर योर नॉलेज. और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही सकते हैं. तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट देख लो एक बारी, हेनरिच हर्ट्ज, ही प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड ईएम वेव्स. ठीक है, ही प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड ईएम वेव्स. तो उसका अपरेटस था, देयर वर टू मेटालिक प्लेट्स and two conducting rods were attached and to the end of conducting rod two metallic spheres were connected. S1 and S2 were two metallic spheres with a gap between them. Gap tha inke beech mein. This is metal plate, this is conducting rod and they were connected to high voltage through induction coil.
ठीक है। तो फिर एक डिटेक्टर रखा उन्होंने, उसमें भी सेम तरह के दो मेटालिक स्पीयर्स थे विद अ गैप बिटवीन देम, लेट अस से S1- एंड S2-, दिस वाज डिटेक्टर टू डिटेक्ट द ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड। अब क्या हुआ, सो व्हेन हाई ऑसिलेटिंग ईएमएफ वाज अप्लाइड अक्रॉस द स्पीयर्स, अ गैप वाज, अ स्पार्क वाज सीन अक्रॉस द गैप। यहाँ पे एक हल्की सी स्पार्क दिखाई दी, ठीक है, दैट स्पार्क वाज एन इंडिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। अब सिमिलर स्पार्क जो है यहाँ इस गैप में भी दिखी, सो दैट कंफर्म्ड द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, दैट ही प्रोड्यूस्ड ईएम वेव्स एंड ही डिटेक्टेड ईएम वेव्स आल्सो, यहाँ ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो देख लीजिए एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है ये, इज दैट ओके। तो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट माइंड में रखिए, यहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या, कि यहाँ पे जब हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई इन द स्पार्क, तो यहाँ पे आयनाइजेशन हो गई एयर की, तो इस वजह से यहाँ पे चार्ज चला गया जिसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस, सो ईएम वेव्स वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोजेक्ट का एक आइडिया ये भी दिया था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बनाने, ठीक है, पर किसी ने बनाया नहीं। इज दैट ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, इसको भी माइंड में रखिए। तो जेसी बोस, मार्कोनी, उन्होंने भी इसी फील्ड में काम किया, और पहले बहुत वीक ईएम वेव्स प्रोड्यूस हुई जो कुछ मीटर तक ही ट्रेवल कर सकती थी, अब जो वेव्स हैं वो कुछ एनर्जेटिक हैं, ईएम वेव्स इतनी हमने देखा है कि शॉर्ट वेवलेंथ की भी प्रोड्यूस हो गई है, जो फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक या और भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट दे वर्कड इन दिस फील्ड टू इन्वेंट द ईएम वेव्स ऑफ दैट कुड बी प्रोपेगेटेड अप टू वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। तो रेडियो वेव्स भी ईएम वेव्स हैं, तो आप देखो कि कैसे हम उनको सैटेलाइट तक भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.7, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक ईएम वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। हमें बी नॉट दिया हुआ है, हमें ई नॉट निकालना है, ठीक है। बी नॉट इज गिवन, वी आर टू फाइंड ई नॉट, बी नॉट इज 510 नैनो टेस्ला, means 510 into 10 raised to power minus 9 tesla, और we are to find e naught। कल मैंने properties में एक relation बताया था b naught e naught में, कौन बताएगा? Yes, how are e naught and b naught or e and b connected to each other? Yes, जल्दी बोलो, जल्दी, hurry up। Yes students, e naught b naught में क्या relation है? तुषार आप बताओगे? C is equal to E naught by B naught. Yes, very good. C is equal to E naught by B naught. So we'll be using this formula here. So we are to calculate E naught, that will be C B naught. C is 3 into 10 raised to power 8 and B naught is 510 into 10 raised to power minus 9. ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसमें न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व दिस। ओके फाइन, दिस इज आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Suppose that electric field amplitude of an EM wave is E naught equal to 120 Newton per coulomb and frequency is 50 megahertz. Find B naught, omega, K and lambda. Find expressions for E and B. तो कल मैंने आपको expressions बताए थे, अब वो find करते हैं। This is question number 8. आपको दिया हुआ है E naught 120. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 मेगाहर्ट्ज,
and we are to find V naught omega k and lambda E and B also. ये चीजें हमें calculate करनी है. So see, ठीक है, these things we are to find. अब E not दिया हुआ है तो B not हम वैसे निकालेंगे वो formula use करके. ठीक है, B not कैसे निकालेंगे? E not by C से. Omega कैसे निकालेंगे? Omega होता है 2 pi into nu, frequency is given. K क्या होता है? 2 pi by lambda. कल आपको मैंने formula बताया था, lambda पहले निकाल लीजिए, C is equal to lambda nu से. तो 2 pi by lambda ये आपके पास आ जाएगा, propagation factor, propagation constant K. और lambda ये रहा, lambda is equal to C by nu. पहले आप lambda निकाल लो, फिर K निकाल लो. और E का formula क्या बताया था? E is equal to E naught sin omega t minus Kx. So when you will have all the values of E naught omega k, you can frame this equation. Similarly, this equation also. Chalo, karo ye part complete and tell me the answers. First of all, tell me what will be B naught. What will be B naught first of all? B naught is E naught by C. ठीक है, ये आ गया B naught. अब निकालो ओमेगा. चलो, फाइंड ऑल द आंसर्स नाउ. फाइंड ऑल द आंसर्स एंड दिस इज, चलो करो सॉल्व. And 314 आया ओमेगा. ओमेगा, ओके. 314. चलो करिए. लैम्डा, लैम्डा कैसे निकालेंगे? सी बाय न्यू. सिक्स आ गया, 6 meter लैम्डा आ गया. ठीक है, तो 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय 6, मतलब ये पाई बाय 3 आ गया आपका के. इसका यूनिट है मीटर इनवर्स, 1 ओवर लैम्डा है ना, तो इसका यूनिट है मीटर इनवर्स, पाई बाय 3. बाकी पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, 3.14. ठीक है, सो सी हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन. ओमेगा कितना है शिवम? 3.14. मैम, फिर इनटू 10 इसका 6 है, मैंने तो 314 ही लिखा, मैंने डेसिमल नहीं लगाया. 314 है. हाँ जी, ओके. मुझको मैम मिली को. हाँ, तो ई नॉट आपका है 120 साइन ओमेगा इज 314 टी माइनस के है आपका पॉइंट्स में 3.14 डिवाइडेड बाय 3, 1.05 अप्रोक्सीमेटली हो गया, 1.05x. ये आपका E का इक्वेशन आ गया, E आ गया, ऐसे B लिखो. ठीक है, सेम वे यू कैन राइट B ऑल्सो. गॉट दिस? सो दिस इज कंप्लीट न्यूमेरिकल. अगर ये आप कर लोगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं है ये मेरे. So then 8.9, terminology of different parts of EM spectrum is given in the text. Use the formula E is equal to H nu and obtain photon energy in units of electron volt for different parts of electromagnetic spectrum. उन्होंने बोला है कि आपको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी होती है E is equal to H nu where H is Planck's constant. तो सभी की एनर्जी निकालो, सारे EM waves की, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए. ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज वन वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? हाउ मेनी जाउल्स? 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल. तो वी आर टू एक्सप्रेस द एनर्जीज अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी विल डिवाइड बाय दिस वैल्यू. ठीक है,
अब कोई भी ले लो, जैसे कि हम विजिबल ले लेते हैं, विजिबल की जो फ्रीक्वेंसी है 10^14 हर्ट्ज के ऑर्डर की है, 4 × 10^14 से लेके 7 × 10^14 हर्ट्ज, तो अप्रोक्सीमेटली ये ले लेते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज 6.63 × 10^-34 जूल सेकंड एंड न्यू इज 10^14, तो ये आ गया आपका 6.63 × 10^-20 जूल, बट वी आर टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वी विल बी डिवाइडिंग बाय द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, सो यू विल गेट दिस एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर अदर ईएम वेव्स आल्सो। कल मैंने आपको पूरा एक टेबल बताया था जिसमें सभी की फ्रीक्वेंसी थी, तो वही फ्रीक्वेंसी यूज करोगे आप, देख लो एक बारी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखें, 10th question। इन अ प्लेन ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट सिनुसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10^10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। What is wavelength of the wave, amplitude of oscillating magnetic field, मतलब B naught, and show that average energy density of electric field equals the average energy density of magnetic field. ये हमने already prove कर लिया, third part, कल हमने properties of EM waves में already prove कर लिया, ठीक है, so please do that. बाकी के अब find करते हैं, frequency दी हुई है, amplitude दिया हुआ है, wavelength और magnetic field का amplitude, so again and again same expressions. We are to use, ठीक है, एक complete numerical आप कर चुके हो, उसी टाइप के हैं, आपको दिया हुआ है E naught 48 volt per meter और frequency is given 2 × 10^10 hertz, ठीक है, 2 × 10^10 hertz, find wavelength of the wave and amplitude of magnetic field part. So see this, we are to find. अब वही lambda है, frequency दी हुई है, तो lambda कैसे निकालोगे? C by mu से, और E naught दी है, तो B naught कैसे निकालोगे? C is equal to E naught by B naught. So now you can do it, no problems. देख लो एक बार. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडिशनल एक्सरसाइज, बस यही है 11 देखो। अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है, कंपैरिजन मेथड से ये सारी चीजें निकालना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हुआ है, आई कैप दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में, तो ईएम वेव किधर हो सकती है, ईएम वेव जेड में, जे में भी हो सकती है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकती है और जेड डायरेक्शन में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो आप ये बोल सकते हो, व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट, राइट मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, सो लेट मी नोट डाउन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट, ये नोट कर लीजिए आप। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3.1, वो ऑब्वियसली ऐसे यूनिट में ही है, कॉस 1.8 रेडियन पर मिनट में दिया हुआ है, रेडियन पर सेकेंड की जगह, हाँ रेडियन पर मीटर में, ठीक है, के का यूनिट स्टैंडर्ड ही है, ठीक है, और y प्लस 5.4 × 10^6 t, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, देखो
अब आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, अब इसको कंपैरिजन मेथड से लिखेंगे, लेट अस कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, साइन का कॉस हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सो दैट इज वाई का एक्स की जगह वाई हो जाए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सो दैट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स, हम लिख लेते हैं के वाई प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिख लेते, एक्स को हमने वाई लिख दिया, नो प्रॉब्लम, अब कंपेयर करके लिख लो, ई नॉट कितना है 3.1, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ वाई, के कितना है 1.8 एंड के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, फाइंड आउट लैम्डा फ्रॉम हियर, एंड ओमेगा को कंपेयर करिए, ओमेगा इज 5.4 इंटू 10^6, ठीक है, रेडियन पर सेकंड में है, स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो ओमेगा इज 2 पाई न्यू, यहां से आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फाइंड फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रॉम हियर, ठीक है, ये आ गई वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, अब मैग्नेटिक फील्ड पार्ट के लिए फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड पार्ट है सी ई नॉट, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और वैसे ही बिल्कुल सेम आपने बी की इक्वेशन लिख दी, सेम वे आपने बी की इक्वेशन लिख देनी है, सो आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इफ द इक्वेशन इज गिवन देन यू विल कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एंड इफ इक्वेशन इज नॉट गिवन देन पहले आप चीजें फाइंड कर लोगे फिर इक्वेशन में पुट कर दोगे, सो देर आर ओनली टू वेज, ठीक है, सेम टाइप के ही हैं ये सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, अबाउट 5% ऑफ पावर ऑफ 100 वॉट लाइट बल्ब इज कन्वर्टेड टू विजिबल रेडिएशन, ठीक है, what is average intensity of visible radiation, first part at a distance of 1 meter from the bulb, at a distance of 10 meter, to ye nikalo, theek hai, 5% jo hai convert ho raha hai, efficiency hai 5%, theek hai, efficiency is output power over input power, yahi hoga na, output ab aapki visible hai aur input aapki 100 watt ye jo di hui hai wo hai electrical, बल्ब ऐसे ही करते हैं ना, हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, तो हमें एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो लगाते हैं, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड एनर्जी ओवर टाइम इज कॉल्ड पावर, तो ये आ गया पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी आपकी हमने निकालनी, अब एरिया जो है वो आप निकालोगे 4πr², यू नो इंटेंसिटी ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो आप एरिया जो है वो किसी स्फेरिकल रीजन में स्फेरिकल एरिया कवर होगा ना लाइट का, हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी, तो आप इसको 4πr² ले लो, इफ बल्ब इज अ पॉइंट सोर्स तो उसका जो एरिया होगा स्फीयर का वो 4πr² होगा, सो पुट इन द वैल्यूज, पावर दी हुई है 5% ऑफ 100 वॉट, 4π, और पहले केस में डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, तो जस्ट सॉल्व दिस, ठीक है, 5% ऑफ 100 इज 5, 4π, बस 1 स्क्वायर तो हो ही गया, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपको इंटेंसिटी देगी और उसका यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, सो यू विल गेट इंटेंसिटी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, ओके क्लियर, वॉट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी आ गई, आगे 13th क्वेश्चन देखिए, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है जो आपने प्लस वन में किया था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, यूज द फॉर्मूला लैम्डा एम टी इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन टू ऑब्टेन करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर रेंजेस फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, व्हाट डू द नंबर्स दैट यू ऑब्टेन टेल यू,
उन्होंने कहा कि अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आपको ईएम वेव्स की वेवलेंथ पता है सबकी, और सबके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका टेम्परेचर निकालो, सरफेस टेम्परेचर कितना। तो यूज दिस फॉर्मूला, लैम्डा पुट करते जाइए हर एक कंपोनेंट की ईएम वेव्स की, और वहां से आप टेम्परेचर निकालते जाओ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। 14th क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर सम फेमस नंबर्स एसोसिएटेड विद ईएम रेडिएशंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन फिजिक्स, स्टेट द पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम टू विच ईच बिलोंग्स। 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस। कौन सी रेडिएशंस एमिट होती हैं, वेव्स एमिट होती हैं जो एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस में रिलीज करता है, कौन सा हो सकता है? और थोड़ा आइडिया देने के लिए उन्होंने वेवलेंथ भी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसीज का टेबल बताया था ना, आप C is equal to lambda nu यूज करके lambda निकाल लो और देखो ये किस रेंज में आते, 21 सेंटीमीटर किस रेंज में आते। Then next is 1057 megahertz frequency of radiation arising from too close energy levels in hydrogen known as lamp shift। तो ये अब कौन सी रेडिएशन है जो उसमें एमिट होती है, वही फ्रीक्वेंसीज मैच करनी पड़ेंगी आपको। 2.7 केल्विन, ठीक है, तो बिग बैंग ओरिजिन से ये रिलेटेड है। 5890, 5896 एंग्स्ट्रॉम, डबल लाइंस ऑफ सोडियम, सोडियम से येलो कलर की लाइंस एमिट होती है, तो ये तो विजिबल है, ये पार्ट है विजिबल कंपोनेंट। 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दिस न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड ये गामा रे फोटोन है पक्का, ये गामा रे होगा। 15th क्वेश्चन कल करते हैं, कंसेप्चुअल, ठीक है, चलिए।